इसी दहलीज पे तुम्हें इज्जत दी थी, याद है? याद है जब तुम रो रही थी, पूरा मोहल्ला तुम्हें देख रहा था, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तू मेरा ही घर का था। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। तरस नहीं खाना मुझ पे अम्मा, मेरे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं यही डिजर्व करती हूँ और मेरे साथ होना भी ऐसा ही चाहिए। जो जख्म मुझे जिंदगी ने दी थी ना, वो कभी भर नहीं सकते। भर जाएंगे जख्म, आज नहीं तो कल। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहे। आपसे एक सवाल पूछूं, आपको मुझ पे तरस क्यों आ रहा है? जो वजीते मैंने सही, आपने तो नहीं सही। जिनको सहती हुई आज मैं यहां पहुंची हूं, जैसी मैं हो गई हूं, आप तो नहीं थी वहां पे। मां बनने जा रही हूं, बहुत जल्द तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा कि मां का रुतबा क्या होता है, कैसे वो अपनी औलाद के लिए तड़पती है, कैसे उसे हर दर्द का एहसास होता है, उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि औलाद के दर्द को इसी तरह दूर कर दे। अम्मा, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। जब जब कुछ हुआ मेरी नजरों में हमेशा वक्त कसूरवार रहा है। आपको तो याद होगा मैं छोटी सी थी जब यही घर चलाने के लिए मैं बाहर निकल गई थी, तब तो आपको मेरा ख्याल नहीं आया, तब तो तरस नहीं आया मुझ पे। अब्बू नहीं थे, घर चलाना था, खाना पीना आप ही के खर्चे, आपके खर्चे, मैंने सारी जिम्मेदारियां उठाई। मैं आपका बेटा बनी थी और कई दिन तो बार मर्द मुझे ऐसी नजरों से देखते थे कि मुझे नोच खाएंगे। मैं कैसे अपने आप गुस्से में इतने घर वापस आते पीछे मैं जाती। मैंने कभी आपको ये महसूस नहीं होने दिया। ये घर चलाने के चक्रों में ना मेरी जिंदगी तो कहीं भी नहीं रही, मेरी खुशियों की किसी को परवाह ही नहीं। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल करता है कि मैं खुश हूं, मेरी भी ख्वाहिशात पूरी हों, लेकिन नहीं। इतना सब कुछ चल रहा था मेरी जिंदगी में और उसी वक्त आराम आ गए। क्या करती मैं? एक तरफ हमजा था, एक तरफ अरहम था, अरहम ने आपकी बेटी की जिंदगी बचाई, इज्जत बचाई, और आपने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आपको पता नहीं दुनिया कितनी जालिम है, तब तो आपने मेरा नहीं सोचा। फिर भी मैं बुरी, मैं हर किसी की नजरों में मैं बुरी। अरब ने मुझे अपनी इज्जत बनाया, मुझसे निकाह किया। मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैंने कुछ नाजायज तो नहीं किया अम्मी। याद है आपने मुझसे फोन पे पूछा था कि अरहम ने सनाया को घर से कैसे निकाला? अम्मी, मैंने एक्सपायर दूध फ्रिज में रख दिया था और अरहम को लगा कि सनाया ने मेरे बच्चे को मारने के लिए ये सब किया। मैंने मौके का फायदा उठा लिया और अरहम को सनाया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और मैं ये सब करती चली गई।
वक्त मेरा साथ दे रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उस घर में जाके सब कुछ ठीक करने की, अपनी जगह बनाने की, लेकिन किसी ने मुझे कबूल नहीं किया। वहां मैंने सबका भला चाहा था, अच्छा सोचती थी सबका, कोई बुरी नीयत नहीं थी मेरी किसी के लिए भी। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मुझे कबूल नहीं करना चाहते, अगर मैं बुरी ही हूं तो ठीक है, ऐसे ही सही। फिर मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे ठीक लगा। सनाया को घर से निकलवाया, बच्चों को अपने पास किया, अरहम को अपने साथ रखा। मैं एक डर में रहती थी कि अगर सनाया वापस आ गई तो वो भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे जैसे आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं पूरी बनती गई और फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। और कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं सनाया का गला घोंट दूं, खत्म कर दूं उसे, धर्म की जिंदगी से निकाल दूं हमेशा के लिए, सब कुछ मेरा हो बस। मैं तंग आ चुकी थी अपनी जिंदगी से, उन जिम्मेदारियों से जो मैं कभी उठाना ही नहीं चाहती थी। अम्मी, मेरी भी एक जिंदगी थी। हम तो आओ बेटा। नहीं भाभी, आगे नहीं बढ़ना। क्या बोलूं मैं, तेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मैं सबकी नजरों में आज इतना गिर चुका हूं कि इसी दहलीज पे तुम्हें इज्जत दी थी, याद है जब तुम रो रही थी, पूरा मोहल्ला तुम्हें देख रहा था, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तुम मेरा ही घर का मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे लगा तुम मेरे बच्चों से प्यार करती हो, मेरी माँ का ख्याल रखती। अरे मुझे तो ये भी लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरी बात सुनी, मत लेना मैं बिल्कुल। कसूर क्या था मेरा? सिर्फ इतना, जब तुम्हें जरूरत थी तुम्हारी जरूरत पूरी की, मैंने साथ दिया तुम्हारा। और तुम्हें कुछ कहने का फायदा नहीं है क्योंकि कसूरवार मैं हूं, मैंने अपना घर बर्बाद किया। आज मेरे बच्चे मेरे नहीं है, मेरी बीवी मेरी नहीं है, अपने ही घर में अनजान हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसे एक बात याद रखना फकरिया, मैं इस बच्चे पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूँ। मैं नहीं चाहता ये बच्चा जाने कि उसकी माँ क्या थी। ऐसा मत कह प्लीज अरहम। अरहम कहाँ जा रहे हैं आप? बात सुने, अम्मी अम्मी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, रोके। आराम आराम से बेटा। अरे मेरी बात सुनने, उन्होंने बोला मुझसे मेरे बच्चा नहीं देख सकती। बस फतिहा, बस आराम से, आराम से, परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा, निशाबाद हो। सब खत्म हो गया अम्मी, रिश्ते से छोड़ के जा सकते अम्मी, उनको प्लीज रोके ना। अच्छा, उन्होंने कहा मुझसे मेरा बच्चा छीन ले, आपने ऐसे नहीं होने देना, प्लीज आप प्लीज रोक लीजिएगा उन्हें, प्लीज अम्मी। अपनी गलतियों की सजा तुम भुगतनी होती है ना बेटा, बचपन से मैं तुम लोगों को सही और गलत समझाती थी, लेकिन तुम लोगों ने माँ की एक भी नहीं ली, नतीजा देख ली। ये हालात और वक्त कैसे मेरे सब्र पे हावी हो गया, कुछ समझ में नहीं आया मैं। ऐसे ही होता है बेटा, हम दुनिया की अय्याशी में ऐसे गुम हो जाते हैं क्या, हमें कोई होश ही नहीं रहता, हम अपनी आखिरत का सौदा कर ले। देखो मैं तुम्हें आज भी समझा रही हूं,
तुम मां बनने वाली है। एक मां दूसरी मां से नफरत। जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इंसान अगर थोड़ा सा झुक जाए, माफी मांग ले, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें आदमी छोटा नहीं होता, इसका कद बहुत बढ़ जाता है। कैसे मिलेगी मुझे माफी अम्मी? माफी मिल सकती है बेटा। देखो, हमने बहुत तकलीफें उठाई हैं। मैं मानती हूँ तुमने इस घर को बहुत संभाला। तुम मुझसे ये शिकायत कर रही हो कि मैंने तुम्हें घर से निकाला, अरे वो तो तुम्हारी सजाती चोटी से। तुम्हें पता है, मैं गली गली तुम्हें आवाजें देती रही, तुम मुझे नहीं मिले। तुम मेरी औलाद हो बेटा, मैं तुम्हारे बगैर इस तरह जीती रही ये मैं जाने थी। लेकिन जब तुम मुझे मिली, तुम्हारा रूप ही कुछ और था। तुमने एक ऐसा घर उजाड़ दिया था जिसका मसाला कितना मुश्किल हो गया, जो आज भी मुश्किल है। तुमने कभी सोचा, तुमने सनाया के साथ क्या किया? जरा उसके बारे में सोचो, किस तरह उसने वो घर बनाया हो, कैसे बच्चे पाले होंगे, किस तरह अपने मियाँ की खिदमत की। एक लम्हे को उसके घर में जाके उसका सब कुछ लूट लिया। ये तकलीफ जो आज तुमने है, जरा उसकी तकलीफ कर दिया एहसास की। तुम सौकन बन के गई थी उसके घर, पर तुम जानती हो ना हमारे माशरे में सौकन को क्या समझते। बदकिरदार, घटिया औरत, तुमने ये सब कुछ कैसे कर लिया फबीहा? मैं नहीं समझ आया कुछ, नहीं समझ आया। एक हल हो सकता है, सनाया से माफी मांगे। अगर वो तुम्हें माफ कर देती, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। आराम से भी माफी मांगो, सनाया से भी माफी मांगो। तुम छोटे नहीं हो जाओगे, तुम्हारा कद और बढ़ जाएगा बेटा। रहा तुम्हारा रिश्ता, वो अल्लाह पे छोड़ दे। वो नियतें देखता है, वो जानता है सब।